प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। लखनऊ से है जी, लखनऊ से। बहुत ही दफा खराब हो गया। हेलो साहब, हम तो आपको ही वोट देते हैं, हम आपको ही वोट देते हैं सर। मजबूरी से सर, हम नेता जी की हर बार नेता जी नेता जी आज यही पूजा कॉल और क्या सर, आज जो ये घटना हुई बस की, उसकी क्या है? एक्चुअली मुझे कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली रात को 11:30 बजे के अप्रॉक्स में कि यहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो गया है इटावा के पास में। ट्रक से भिड़ गया, ड्राइवर जो कि सो गया था, सोने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें कुछ लोग ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई है लोगों की, और अभी बाकी लोग जो है जख्मी है। इससे मेरे भी कुछ रिलेटिव हैं जो कि आए हुए हैं, भर्ती हैं हॉस्पिटल में। आपका कौन है इसमें? इससे मेरे सिस्टर में जिया जी हैं। जी, कहाँ के रहने वाले? वो वाराणसी के रहने वाले। उनका नाम क्या है? अपूर्व और साक्षी। अच्छा, पूर्व? अपूर्व एंड साक्षी। जी जी, और आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम सौरभ है। ठीक सर, तो ये क्या पूरा मामला? कल बस थी जो दिल्ली से बनारस जा रही थी, और रात्रि में मैनपुरी के पास आधे दौड़ा चल रहा बस की, पीछे से बस ट्रॉले में फॉर्म हो गया, जिसमें तो 7 व्यक्ति मृत्यु हो गई, जिसमें 5 सवारियाँ हैं, और 35 सवारी घायल हुई थी, उनको ट्रीटमेंट किया।
इसमें कुछ विदेशी होने की भी बात कही जा रही है, दो विदेशी भी हैं। दो विदेशी है, लड़ाई है उसमें, वो ठीक है, तीन की शनाख्त तक हो चुकी है, बाकी की तरह एक 7 वर्षीय बच्ची की भी मौत की सूचना है। वो किडनैप गांव से मौत हुई है, 8 वर्षीय बच्ची थी जो की वहाँ पर सेटलमेंट कर पर गई। कितने महिला कितने पुरुष सर ये खत्म हुए इसको कुछ डिटेल है यार? अल्लाह तआला की मदद। Thank you.